हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी पुलिस एग्जाम और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, नासिक में निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन होता है? तो बताइए, कुंभ मेला का आयोजन ये नासिक में किस नदी के किनारे होता है? तो देखिए, ये होता है गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो देखिए, कुंभ मेला का आयोजन ये 12 वर्षों के अंतराल में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में भारत की पशुधन आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखिए, अभी वर्तमान में भारत की पशुधन आबादी में ये 4.6% की वृद्धि हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में निम्नलिखित में से किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में ये जम्मू कश्मीर राज्य की विधान परिषद को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन ये पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, भारत के प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री जो है ये निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो देखिए, वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पौधे के पत्तियां जो है ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, शरीर में फास्फोरस निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो देखिए, शरीर में फास्फोरस जो है ये अस्थियों और दांतों में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? अस्थियों और दांतों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, चाइना ओपन 2019 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो देखिए, चाइना ओपन 2019 का खिताब ये कैरोलिना मारिन ने जीता है। किसने जीता है? कैरोलिना मारिन ने जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो बताइए, जंतर मंतर जो है ये भारत के किस शहर में स्थित है? तो देखिए, ये स्थित है दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और यदि एग्जाम पूछा है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो देखिए, इसका निर्माण जो है ये राजा स्वाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा स्वाई जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे ओवर ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है? तो देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे ओवर ब्रिज जो है ये बनाया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर बनाया गया है? पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है,
भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये तो एग्जाम पूछा है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है ये भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो देखिए, उगते हुए सूर्य की भूमि जो है ये कहा जाता है जापान को। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। और ये तो एग्जाम पूछा है कि डूबते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो देखिए, डूबते हुए सूर्य की भूमि जो है ये कहा जाता है ब्रिटेन को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? तो देखिए, विश्व में सबसे अधिक वेतन जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार का बैंक है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ये केंद्रीय बैंक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में जो है RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसके वर्तमान गवर्नर ये शक्तिकांत दास जो है ये RBI के वर्तमान गवर्नर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है। मानव शरीर के किस भाग में पीयूष ग्रंथि होती है? तो देखिए, पीयूष ग्रंथि जो है ये मानव शरीर के मस्तिष्क में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है। पानी का फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, पानी का फुहारा ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन है। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो देखिए, रॉकेट की गति पर ये संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, रॉकेट का आविष्कार ये जॉर्ज स्टीफेंसन ने सन 1814 में किया था। कब किया था? सन 1814 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है। बॉल पेन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, बॉल पेन ये पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन है। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो देखिए, नारियल का ये भ्रूणपोष जो है ये खाने योग्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 24वां नंबर क्वेश्चन है। मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो देखिए, मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण जो है ये होता है यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। और यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख जो है ये नियुक्त किया गया है एयर मार्शल HS अरोड़ा को। किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल HS अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 26वां नंबर क्वेश्चन है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। और ये तो एग्जाम पूछा है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजन
ये किया जाएगा कोलकाता में, कहाँ पर किया जाएगा, कोलकाता में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 28वां नंबर क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नया है तो चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।